Sushant Singh Rajput's demise has once again stirred the debate around the alleged practice of nepotism and power play in Bollywood, and a lot of celebrities are opening up with their experiences. The latest is singer Sonu Nigam, who had said that he is a victim of power play by a Bollywood actor without mentioning the name. मैं इस वीलॉग से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, खासतौर से हमारी म्यूजिक कंपनीज को, क्योंकि आज सुशांत सिंह राजपूत मरा है, एक एक्टर मरा है। कल आप किसी सिंगर के बारे में भी सुन सकते हैं, या किसी कंपोजर के बारे में सुन सकते हैं, या किसी लिरिक्स राइटर के बारे में सुन सकते हैं, क्योंकि ये जो माहौल है म्यूजिक का हमारे देश में, वो बहुत फिल्मों से बड़ा माफिया म्यूजिक में है, अनफॉर्चुनेटली। और मैं समझ सकता हूँ कि बिजनेस करना जरूरी है लोगों के लिए, और अपनी सब को लगता है कि हम रूल करें बिजनेस को। क्या है कि मैं थोड़ा लकी था कि मैं बहुत कम उम्र में आ गया था, तो मैं इस चंगुल से निकल गया। लेकिन जो नए बच्चे आए हैं ना, उनके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मैं सबसे बात करता हूँ, कितनी लड़के लड़कियाँ आके मुझे बोलते हैं, सुनो भैया ये, सुनो भैया वो, सुनो सर ये, सुनो सर वो। मतलब बच्चे हैं वो, कल के आए हुए यार, परेशान हैं वो कि प्रोड्यूसर काम करना चाहता है, डायरेक्टर काम करना चाहता है, म्यूजिक कंपोजर काम करना चाहता है, पर म्यूजिक कंपनी बोलेगी ये हमारा आर्टिस्ट नहीं है। मैं समझ सकता हूँ कि आप लोग बहुत बड़े हैं और आप लोग कंट्रोल करते हैं म्यूजिक को, आप लोग कंट्रोल करते हैं कि रेडियो में क्या बजेगा, कंट्रोल करते हैं कि फिल्मों में, लेकिन ऐसा मत कीजिए। दुआ बद्दुआ बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये ठीक नहीं है। ये जो दो लोगों के हाथों में ताकत है ना, दो लोग हैं बस इंडस्ट्री के म्यूजिकली, उनके दो कंपनीज हैं, उनके हाथों में ताकत है कि ये इसको गवाओ, इसको मत गवाओ। देखिए मेरा, मैं निकल गया उससे ना, मुझे कोई गाने की इच्छा है पिछले 15 साल से, ना मैं कोई बहुत, इट्स ओके, आई एम वेरी हैप्पी इन माई ओन वर्ल्ड, बट आई हैव सीन द फ्रस्ट्रेशन इन द आईज एंड इन द वॉइस इन द वर्ड्स ऑफ न्यू सिंगर्स, न्यू कंपोजर्स, न्यू लिरिक्स राइटर्स। खून के आंसू होते कभी कभी। अगर वो मर गए तो आपके दिल पे, आपके ऊपर एक बहुत बड़ा, आपको भी, आप पे भी प्रश्न चिन्ह आएगा। बी अ लिटिल मोर काइंड प्लीज टू द न्यू कमर्स, बिकॉज ये सब गंधर्व लोग हैं, सिंगर्स कंपोजर्स वगैरह जो होते हैं, गंधर्व लोग हैं। इन पे सब, इनको प्रताड़ित मत कीजिए, आप लोग इन पे थोड़ा सा ईजी रहिए। मेरे साथ में ऐसा हो सकता है कि मेरे गाने मैं गा रहा हूं और कोई बोल रहा है कि वही एक्टर जिस एक्टर के ऊपर आजकल उंगलियां उठ रही हैं, वो एक्टर बोल रहा है कि इसको मत दबाओ, और उसने अरिजीत सिंह के साथ में भी कर रखा है। तो ये क्या है, मतलब अरे हाउ कैन यू यूज योर पावर लाइक दैट। मेरे कितने गाने मैंने गा रखे हैं जो डब हो चुके हैं, मतलब बोलते हुए भी मुझे एम्बेरसिंग लगता है मुझे कि इट्स लाइक यू नो, बट दिस इज humiliating, isn't it? Because I don't ask for work. मैं तो नहीं बोला कि मैंने तो नहीं कहा कि मुझे बुलाओ गाने के लिए। तो मुझे बुला के, मुझसे गाना गवा के फिर मेरा गाना डब करना, दिस इज लाइक, मतलब या तो मैं बोलूँ कि प्लीज हेलो मुझे गाना गवाओ, मैंने कहा गाने के लिए, मैंने गाने के लिए नहीं कहा, आप मुझे बुलाते हो, मुझे गाना गवाते हो, फिर मेरा गाना डब कर देते हो। मतलब दिस इज फनी एज हेल, स्पेशली बिकॉज आई बीन वर्किंग सिंस 1991 इन बॉम्बे, एंड आई बीन वर्किंग सिंस 89 इन द म्यूजिक इंडस्ट्री, 89 से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मेरे साथ में ऐसा कर सकते हो, तो छोटे बच्चों के साथ में क्या कर रहे हो यार आप लोग, थोड़ा सा ईजी हो जाओ यार। ऐसे एक ही गाने को नौ लोगों से गवाते हो एक ही गाने को, क्या चल रहा है? यू गाइस नीड टू जस्ट चिल, बी अ लिटिल काइंड टू द ह्यूमेन, एक थोड़ा ह्यूमेन होना भी आवश्यक है कि नहीं है? आपको लगता है कि इतना इजी है एक सिंगर को कि वो उसने 10 गाने गाए, 10 के 10 गाने डब हो जाए उसके, फिर 11वें गाने भी उसको बोले तुझे हम सिलेक्ट कर रहे हैं। इजंट इट रॉन्ग फॉर द सिंगर्स, इजंट इट रॉन्ग फॉर द लिरिक्स राइटर्स टू बी पेड पिटेंस, इजंट रॉन्ग फॉर द म्यूजिक कंपोजर्स कि तेरा गाना, तू मेरी कंपनी में का आर्टिस्ट है तो मैं तुझे काम दूंगा, वरना तेरा काम कितना भी अच्छा हो मैं तुझे काम नहीं, तेरे से काम नहीं करूंगा। ये थोड़ा ठीक नहीं है मेरे ख्याल से। सो यू सी आई एम डन विद दिस, बट प्लीज डोंट टॉर्चर द यंगर वंस, रियली इतना अच्छा स्पेस नहीं है। प्लीज लुक, स्टेप इन टू देयर शूज एंड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, दे नीड यू, दे नीड योर हेल्प, दे नीड योर
काइंडनेस, दे नीड योर ग्रेस. थोड़ा सा काइंड हो जाइए आप लोग यार, ऐसा मत कीजिए.